तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे जितने भी देश के एंडिया एस्टोरेंट हैं और आज सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि सर इज़ इट पॉसिबल टू क्रैक एंडिया इन थर्टी डेज यस बट दोज क्वालिटीज़ यू नीड टू टेक केयर वेन यू रियली वॉन्ट टू क्रैक द एग्जाम इन थर्टी डेज जैसे आपको पता होना चाहिए कि अभी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके ट्वेल्थ के एग्ज़ाम डन हो चुके हैं एंड फाइनली वो अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में जा रहे हैं कुछ बच्चे अपने सेकेंड अटैम्प्ट के लिए जा रहे हैं अप्रैल वाले के लिए और सभी का बिल्कुल फोकस है क्योंकि अभी तक आपका पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ था बट एग्जैक्टली exactly, इन तीस दिनों में ऐसा क्या कमाल करें जिससे कि एग्जैक्टली exactly सर इस एग्जाम में बेहतर हो पाए बहुत घबराने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम फिर से आपका शेड्यूल है सेप्टेंबर में फर्स्ट सेप्टेम्बर को शेड्यूल है तो लाजमी सी बात है कि ये भी आपको बेस्ट करना है और अगला भी बेस्ट करना है उसी स्ट्रैटजी के साथ आपको प्रिपरेशन में लगना है और प्रिपरेशन में तो लगना पड़ेगा वो आप ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी पैरामीटर में कॉम्फर्टेबल हैं आपको लगना होगा बट इन क्विक थर्टी डेज़ में कैसे अपने को बेहतर कर सकते हैं जो स्ट्रैटजी हमारी है इस समय जितने भी हमारे ऑफलाइन में बच्चे क्रैश कोर्स के लिए हैं इस समय उनको भी इसी प्रैक्टिस वर्जन में हम लेके चल रहे हैं जिससे कि उनको हम बेस्ट स्कोर दे पाएँ और जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं बच्चे उनके लिए भी ट्वेंटी अप्रैल के लिए हम वही स्ट्रैटेजी एहतियात कर रहे हैं तो चलिए थर्टी डेज़ के फॉर्मेट को बड़े ही क्विक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले समझना आपको है कि अगर मैथ पेपर आप ध्यान से देते हैं केवल स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पार्ट को हम देखें तो 20 क्वेश्चन मतलब 50 नंबर का गेम केवल इन टॉपिक से आपके कवर होते हैं अब आपसे खुद से ये क्वेश्चन होना चाहिए कि आखिर इन पर कितना अच्छा आपका कमांड है कॉन्सेप्ट को लेकर के और क्वेश्चन अप्रोच को लेकर के डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस की बात करें तो पच्चीस क्वेश्चन अकेले समझिए आप बासठ दशमलव पाँच मार्क्स दैट मीस टू पॉइंट फाइव मार्क्स यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री बीस क्वेश्चन के आसपास अकेले पचास नंबर आपके पास अब मोटा मोटा जोड़ लीजिए तो पचास पचास, पचास हंड्रेड एक सौ बासठ नंबर तो आपके यहाँ से बन जाते हैं अपने आप में बेस्ट स्कोर है पहले नहीं एनेलिकटिकल जो मेट्री ट्वेंटी क्वेश्चन पचास मार्क पाँच क्वेश्चन इतना है मैट्रिक्स एंड एंटरटेनमेंट से दस क्वेश्चन पच्चीस मार्क तो ओवरऑल आप देखें तो गेम इतने में पूरा सेंट्रलाइज हो जा रहा है पूरा का पूरा जहाँ से आप बेस्ट गोल ले सकते हैं तो अब आपको समझना है कि कहाँ कहाँ आपका स्ट्रॉन्ग फैक्टर हो कैसे आपको खुद पर बेहतर ढंग से काम करना है अब इसकी और डिटेलिंग में जाएँ अगर हम जी का पेपर देखें तो करंट अफेयर पार्ट अकेले दस क्वेश्चन चालीस नंबर ज्योग्राफी बीस क्वेश्चन अस्सी नंबर सोशल स्टडीज मतलब मोटा मोटी इसको हिस्ट्री पॉलिटी हम लोग समझ लेते हैं अराउंड ट्वेंटी क्वेश्चन के आसपास यहाँ से भी इंग्लिश अकेले फिफ्टी क्वेश्चन टू मार्क्स है केमिस्ट्री फिफ्टी हो गया बायोलॉजी टेन हो गया और फिजिक्स आपका ट्वेंटी के आसपास हो गया तो ये भी टू मार्क्स हो गया तो टोटल तो आप देखें जी एस पार्ट भी अपने आप में टू मार्क्स कैसे कैरी कर रहा है इंग्लिश कैसे टू मार्क्स है और आपका साइंस पार्ट टू मार्क्स है इसमें आप स्ट्रॉग पहले से ही अगर आप साइंस की बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की तो आपका बेस है टेन प्लस टू में ये तो एक्जैक्टली exactly अगर आप देखें साइंस स्ट्रीम के होते हुए भी तो जनरल साइंस पार्ट अकेले आपको बेस्ट स्कोर दे सकता है इंग्लिश और जनरल साइंस मिला के दैट मीन आप इधर से ही अपना स्कोर अगर मोटा मोटा इंग्लिश में आप ले जाते हैं मान लीजिए कि आपका अप्रोच हो जाता है थर्टी थर्टी फाइव और इधर आपका स्कोर हो जाता है मान लीजिए थर्टी थर्टी फाइव क्वेश्चन अराउंड टू हंड्रेड फिफ्टी के आसपास तो स्कोर आप यहाँ से अकेले टेक ओवर कर सकते हैं अगर आप जी के पार्ट नहीं भी टच कर रहे हैं तो अब ये समझना है सर हमारा फैक्टर क्या स्ट्रांग है क्या नहीं है जो स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग बनाना है और अपने स्कोर को बेहतर कर लेना है इंग्लिश में अगर देखें तो चीज़ें बड़ी क्लियर बटी हुई हैं स्पॉटिंग इनर पार्ट से दस क्वेश्चन एंड टाइम सेंटेंस से दस दस, दस बनते हैं मतलब वकैवीडियम फ्रेज से भी दस क्वेश्चन सेंटेंस मतलब आप देखें तो ज़्यादातर वकैप का बड़ा रोल है अराउंड आप कह लीजिए कि फिफ्टी क्वेश्चन में से हम देखें ध्यान से तो अराउंड सिक्सटी रोल फिफ्टी से भी ज़्यादा केवल वकैब प्ले कर रही है इसलिए हम लोग जो लेक्सिकन की बुक ऑफर करते हैं आपके लिए बेस्ट कलेक्शन है उसमें अगर आप एक बार क्विक रिवीजन भी मार देना तो आपके ब्रेन में चीज़ें सेव हो जाएंगी और आप उन क्वेश्चन को इजीली अप्रोच कर पाएंगे तो अब देखिए इसमें क्या क्या पार्ट आपका स्ट्रॉग है एग्जैक्टली exactly. कॉम्प्रहेंसन जैसी चीज़ें बहुत टफ नहीं है अगर आपको रीडिंग अच्छा है इंग्लिश लैंग्वेज का तो आप उसको समझ करके ईजिली राइट क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं हाँ ग्रामर थोड़ा सा बड़ा सेगमेंट हो जाता है बट मुझे लगता है कि बचपन से पढ़ते आए तो इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं है बस जरूरत है कि एक बार देख लें कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसके ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस पे आपको काम करना होगा वहीं अगर फिजिक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम टॉपिक कवर होते हैं बट जनरल साइंस के रूप में है तो बहुत हाई न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है और अगर आप एक बार प्रीवियस ईयर वो भी कर लेंगे तो आपका जो पढ़ाई है ना टेन प्लस टू लेवल का फिजिक्स का वो इससे कई गुना बेहतर लेवल पे आपने की है बस ज़रूरत है कि इस तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच करने का आपको आदत नहीं है ना आपको मिला वो बोर्ड एग्जाम्स में बट अगर आप एक बार प्रीवियस ईयर अप्रोच से कर लेंगे प्रैक्टिस तो यू रियली रियलाइज दैट कि हाँ क्या क्या लेवल का क्वेश्चन है इतने टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे फिजिक्स इसका, इसका स्क्रीन भी लेते चलिए केमिस्ट्री बहुत आसान पार्ट इसमें भी यही कहूँगा कि निचोड़ है प्रीवियस ईयर देखना और जो हमारी केमिस्ट्री बायोलॉजी का के स्पेशल बुक है वो भी बड़ी बेहतरीन निचोड़ है इसका बहुत कम पेजेस में और बहुत कम पेज में बड़ा परफेक्ट कंटेंट आपके लिए अरेंज करके इसके अंतर्गत रखा हुआ है पूरा का पूरा वहीं केमिस्ट्री के बाद हम बात करें तो बायोलॉजी पार्ट आता है तो इसको भी लेकर बहुत घबराना नहीं जेनुन टॉपिक्स जेनुन क्वेश्चन होते हैं बस एक बार ओवरव्यू करने की आपको आवश्यकता है ओवरऑल हिस्ट्री की बात कर ले तो एनशेंट वर्ल्ड बहुत नहीं उलझना है मुख्यतः मिडुअल और मॉडर्न इंडिया पे आपको फोकस फोकसलती है।, है आपको मुख्यतः मीडूअल एंड मॉडर्न इंडिया पे फोकस करना ऑलमोस्ट आप मान लीजिए कि बारह से तेरह क्वेश्चन इन्हीं से बन जाते हैं और आपको मज़ा भी आएगा मॉडर्न पढ़ने में म्यूडल पढ़ने में क्योंकि मुझे लगता है बहुत करंट हिस्ट्री है वो हमारी और अक्सर हम बचपन से उससे ओवरव्यू उबर्व, होते आए एन सी में भी आपने उस चीज़ को पढ़ा इन टेंथ में तो बस एक बार भरोसे के साथ आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर एनालिसिस कर लीजिए क्वेश्चन किस लेवल का बन रहा है क्या बन रहा है आपका अप्रोच वहाँ तक है कि नहीं है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है ज्योग्राफी पे भी अराउंड थर्टीन टू सिक्सटीन क्वेश्चन हैं एंड गलत दिखा है में ज्यादा अच्छा इकोनॉमिक जोड़ दियो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को मिला लेते ट्वेंटी ट्वेंटी टू क्वेश्चन बन जाते हैं इकोनॉमिक्स में तो फिक्स ही है कि पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आपके बनते हैं जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन क्रिएट हो जाते हैं आपके करंट अफेयर फिक्स ही है अगर आप एक करंट अफेयर के तीन महीने का भी कंटेंट ओवरव्यू कर लें और तो मुझे लगता है आप बेहतर कर जाएंगे और जो स्पेशल मैराथन सेशन भी हम करंट अफेयर का चलाएंगे आपके लिए एनडी और इंटर स्पेशल वो भी आपको बहुत मदद करेगा आपके परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए अब मास्टर प्लान में स्ट्रेटी में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है चाहे वो रिपीटर हमारा बच्चा है चाहे फ्रेशर जा रहा है दोनों को इस समय समझना होगा कि कम से कम एक मॉक तो इस समय होना चाहिए डेली बेसिस पर देंगे तभी आप समझ पाएंगे और आप कहते ना कि रेस दौड़ने से पहले स्टैमिना भी तो बिल्ड करनी है तो स्टैमिना यहाँ से आएगी मैथ फार्मूला खूब रिविज़न करिए बहुत मदद करेगा जितना आपके फार्मूला दिमाग में रहेंगे जी की बात करें तो ये भी कुल मिला के रिवीजन और प्रैक्टिस की ही चीज़ है तो डेली कहते हैं ना घंटे बटे होने चाहिए तो कम से कम दो घंटा मैथ पे तीन घंटा इस पे और मॉक टेस्ट जो दिए हैं उसका एनालिसिस करिए कितना सही कर पाए कितना गलत है कौन सा सेगमेंट कमज़ोर था कहाँ बेहतर होना है तो ये सारे प्रॉस्पेक्ट से जब काम करेंगे तब आप जाके बेहतर और अच्छा महसूस करेंगे डोज एंड डोंस में यही कहना चाहूँगा सेट कहते हैं कि सबसे पहले रियलिस्टिक गोल बनाइए कि हाँ आज इतने घंटे में इतना इतना टॉपिक ये चीज़ कवर करना है गो थ्रू गो थ्रू एग्जाम पैटर्न बहुत जरूरी क्योंकि मॉक टेस्ट देंगे तभी आप समझ पाएंगे कि एग्जाम है क्या लेवल है क्या, कैसे काम करना है टेक टेक मॉक टेस्ट जैसे मैंने कहा सबसे अहम है डोंट अवॉइड डोंट अवॉइड एनसीईआरटी सबसे अहम है पढ़ते आए हो अभी तक तो ऐसा नहीं कुछ नया होने जा रहा है बस जब आप प्रीवियस ईयर अप्रोच करोगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हाँ एक्जैक्टली exactly मैंने क्या पढ़ा था अगर उसका एक क्विक रिवीजन हो जाए तो मुझे लगता है बहुत मदद मिलेगी आपको सॉल्व सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझे लगता है पी आपको बहुत मदद करते हैं कल एक स्पेशल वीडियो भी मैंने लाया था तो मैंने बताया कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल करिए उससे दो चीजें क्लियर होती है क्वेश्चन रिपीट्स भी होते हैं अगर आप ध्यान से देखें और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात कि आपको एक्जैक्टली exactly पैटर्न पता चल पाता है कि हाँ क्वेश्चन का लेवल क्या है डोंट अवॉइड रिवीजन। कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट एंड आई रियली बिलीव इन दैट तो आपको भी इस चीज़ पे बिलीव करना चाहिए और धन से लगना चाहिए और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चों के लिए पहला एग्जाम है दूसरा है तो घबराना नहीं बहुत ज़्यादा बेस्ट देना है इसको और हम तो मिशन ही बनाए हैं कि बिल्कुल हम तैयार हैं अप्रैल वाले के लिए तो फोकस्ड है ही एमकेसी हम सितंबर वाले के लिए भी उसी जज्बे के साथ तैयार है तो देश के सभी एंडिया एसफ्रेंड से कहना चाहता हूँ बेटा कि अगर वाकई में जज्बे के साथ फाइव प्लस स्कोर करना है और सीवर शॉर्ट सक्सेस लेनी है तो वेलकम टू एमकेसी आप एमकेसी आइए बेहतरीन क्लासेस मिलेंगे बेहतरीन टीचर के साथ बेहतरीन मटेरियल के साथ जो एग्जाम आपको टफ लगता है उस एग्जाम को हम सबसे बेहतरीन और इजी बनाएंगे तो इसके लिए बिल्कुल प्री बुकिंग स्टार्ट है और डिस्काउंट ऑफ़र भी इस समय चल रहे हैं कॉल करके नाइन पर फटाफट बुकिंग कर लीजिए और बहुत ही रीजनेबल और अफोर्डेबल प्राइस में आपको बेस्ट ऑफलाइन क्लासेस देंगे नेशनल डिफेंस एकेडमी जाने का आपका सपना पूरा करेंगे बाकी कमेंट सेक्शन में एक ओवरव्यू जरूर आपसे चाहूँगा कि तैयारी आपके भी कैसी चल रही है और जो मैंने मेथड यहाँ पे बताए ये आपको समझ में आ रहे हैं और क्या ये मॉक टेस्ट जो स्पेशली है सबसे जानना चाहूँ क्या डेली आप एक मॉक टेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में मैंशन जरूर करिएगा थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत